गुड मॉर्निंग, आई एम फ्रॉम लोकमान्य तिलक स्कूल, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th। आज हम लोग हिंदी में अपना पाठ 21 शुरू करेंगे। पाठ 21 है आपका पत्र लेखन, या 27 लिखा हुआ है, 21 पत्र लेखन। पत्र लेखन अब आपको अपनी कॉपी में करना है। सबसे पहले आप उसमें ये प्रश्न लिख दीजिएगा, पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तर है, पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक पत्र फॉर्मल लेटर्स, एक अनौपचारिक पत्र इनफॉर्मल लेटर्स। तो औपचारिक उसके नाम से ही जैसे जात होता है, औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? जो पत्र हम अपने प्रधानाचार्य, कक्षाध्यापक या किसी सरकारी अधिकारी या किसी संस्था को लिखते हैं उसे औपचारिक पत्र कहते हैं। औपचारिक पत्र क्या होता है? चाहे आप अपने प्रिंसिपल, टीचर या आपके बड़े किसी सरकारी अधिकारी को लिखते हैं या किसी भी संस्था को लिखा जाता है तो वो क्या कहलाता है? औपचारिक पत्र कहलाता है। दूसरा पत्र होता है अनौपचारिक पत्र। अब अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं? जो पत्र हम सगे संबंधियों या मित्रों को लिखते हैं, अपने सगे संबंधी या अपने मित्रों को लिखते हैं उसे अनौपचारिक पत्र कहते हैं। इसे आप अपने चाचा, मामा, चाची, मामी, बुआ, फूफा, मौसी, मौसा, किसी को भी या अपने किसी खास दोस्त को लिखते हैं तो उसे हम लोग अनौपचारिक पत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये पत्र हैं दो प्रकार के। और आपको कौन कौन से पत्र लिखने हैं देखते हैं। आपका पाठ 21 है पत्र लेखन, लेटर राइटिंग। इसमें सबसे पहला पत्र आपको लिखना है अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। ये देखिए, ये सब आप एक सीध में लिखेंगे, एक के बाद एक, इधर उधर नहीं लिखेंगे। ठीक है, सेवा में प्रधानाचार्य, यहाँ अपने स्कूल का नाम लोकमान्य तिलक स्कूल, सेवा में कौमा प्रधानाचार्य कौमा लोकमान्य तिलक स्कूल कौमा राजरूपपुर कौमा, और यहाँ पे प्रयागराज लिख के आप पूर्ण विराम खींच देंगे। ठीक है, कैसे लिखना है? सेवा में कौमा प्रधानाचार्य के बाद फिर कौमा, मतलब अभी बात चल रही है, अभी आप उनको संबोधन दे रहे हैं। प्रधानाचार्य लिखा, यहाँ आचार्य कर लीजिएगा, प्रधानाचार्य कौमा लोकमान्य तिलक स्कूल कौमा राजरूपपुर कौमा प्रयागराज कौमा, फिर श्रीमान जी, आप यहाँ पे श्रीमती जी करेंगे। ठीक है, श्रीमती जी या महोदय आप लिख सकते हैं, या आप महोदया भी लिख सकते हैं। सविनय निवेदन यह है कि मुझे कल रात से ज्वर आ रहा है, मैं आज भी अस्वस्थ हूं, डॉक्टर ने मुझे 2 दिन तक का आराम करने की सलाह दी है, अतः आपसे विनम्र निवेदन है मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें, आपकी अति कृपा होगी, धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारी शिष्या या शिष्य जो भी इसको लिख रहा है अपने हिसाब से लिख लेगा। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ आप कक्षा 5 में पढ़ते तो 5 और आ आपका सेक्शन है ए, और डेट जिस भी दिन आप लेटर लिखते हो उस दिन की डेट लिखी जाती है। जैसे आज आप लिखोगे तो 30 जनवरी को लिखोगे, आप 4 दिन बाद लिखोगे तो 3 फरवरी, जिस भी दिन आप बैठ के लिख रहे हो उसी दिन की डेट आपको डालनी है। ठीक है, ये तो हो गया औपचारिक पत्र। इसमें भाषा सीमित होती है और औपचारिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे सविनय निवेदन है, महोदय, श्रीमती जी, इस तरीके से। अब दूसरा मित्र पत्र है आपका अनौपचारिक पत्र। तो अनौपचारिक पत्र मित्र की सफलता पर बधाई पत्र है। यहाँ पे आप कौन सा एड्रेस लिखोगे? आप जहां पर से लेटर लिख रहे हो, मतलब आप अभी घर से लेटर लिख रहे हो तो घर का एड्रेस लिखोगे, और स्कूल से लिख रहे होगे तो स्कूल का एड्रेस लिखोगे, और यहाँ पे वही बताया था, डेट वही रहेगी जिस दिन आप लेटर लिखोगे। अब मित्र को लिख रहे हैं, इसलिए प्रिय मित्र राहुल, सप्रेम नमस्ते। अपने दोस्त को लिख रहा है इसलिए कह रहा है प्रिय मित्र राहुल, सप्रेम नमस्ते। आज समाचार पत्र में तुम्हारे वार्षिक परीक्षा में प्रथम आने का समाचार पढ़कर बहुत खुशी हुई। कहाँ पे उसको देखा? उसके वार्षिक समाचार पत्र में। ठीक है, पढ़कर बहुत खुशी हुई, मेरी ओर से इस शानदार सफलता में
के लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। हम लोग अपने चूंकि अपने सगे संबंधियों की खुशी में खुशी होते हैं, दुख में दुख होते हैं, इसलिए उस खुश होके उसने अपने दोस्त को बधाई का पत्र लिखा है, कहा है कि बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत बधाई हो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भविष्य में तुम्हें इससे भी बड़ी सफलता मिले। भविष्य अभी उसका आने बढ़ रहा है, तो उसे भविष्य में इससे भी अधिक सफलता मिले, ऐसा उसका दोस्त या आप उस कामना करिए अपने दोस्त के लिए। घर में सभी बड़ों को प्रणाम, तुम्हारा मित्र राजू। घर में जितने भी बड़े होंगे, देखिए उन सभी को हम लोग प्रणाम करते हैं। तुम्हारा मित्र, लड़का है तो तुम्हारा मित्र लिखेगा और लड़की है तो तुम्हारी सखी, और यहाँ पे अपना नाम करके लिख देंगे। तो ये दो लेटर आपके सिलेबस के हैं। आपको एक तो ये पत्र नंबर 6 तैयार करना है और दूसरा पत्र नंबर 1। ये दोनों ही पत्र आपके बहुत जरूरी हैं। दोनों को आप तैयार कर लीजिए और दोनों आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस किसका? आपका अपना रहेगा। एड्रेस के बाद आपको ये वाला लेटर कंप्लीट करना है। ठीक है, ओके चिल्ड्रन, गुड डे।